बेबी यार बात तो सुनो। फोन क्यों किया मुझे कुछ नहीं सुना, मैंने एक बार बोल दिया ना। प्लीज यार मेरी बात तो सुनो यार, मैं अपना घर बार सब कुछ छोड़ कर आई हूँ तुम्हारे लिए, तुम ऐसे कर रहे हो मेरे साथ। अरे मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं क्या करूँ घर बार छोड़ कर आई हूँ। तुम्हारे घर में मैं कपड़ों तो छोड़ू, मैं एक रुपए तक अपने साथ में लेकर नहीं आई, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं क्या करूंगी। प्लीज यार प्लीज फोन मत काटो, प्लीज मैं कहाँ जाऊंगी, तुम्हें सब कुछ तो पता है, मैं अपनी फैमिली छोड़कर आई हूँ तुम्हारे लिए, अब तुम ऐसे कर रहे हो। मेरी बात सुनो, इसके बाद से आगे कॉल नहीं आना चाहिए मेरे पास, मैं बोल रहा हूँ ठीक है। तुम्हारे कहने पे मैं यहाँ पर हूँ, तुम बताओ मैं कहाँ जाऊंगी। अरे कहीं जाना, जा मर जा, मुझे क्या फर्क पड़ेगा यार। तो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, तुम्हें सब कुछ पता है। देखो मेरे को जितना दिन रहना था तुम्हारे साथ मैं रह लिया ठीक है, अब मेरा मन भर गया, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा ठीक है। मेरा घर वाला मेरा कहीं और शादी करा रहा है यार, शादी नहीं करनी है यार। तुमने तो बोलता कि तुम मेरे लिए आज हम लोग भाग के शादी करेंगे, सब कुछ करेंगे, तुमने तो सारे प्लान्स मेरे साथ किए थे ना, फिर अब तुम किसी और से शादी कैसे कर सकते हो। अरे मेरा उसका मन था, मैं भगा लिया, अब मेरा मन नहीं है शादी करने का ठीक है। मेरा घर वाला कहीं और शादी करे, मैं वही करूंगा यार, वही करूंगा यार। प्लीज ऐसे मत बोलो, प्लीज ऐसे मत बोलो। और हाँ सुनो, ये रोना धोना कहीं और ठिकाना आगे से मेरे पास कॉल करियो ना, मैं कहाँ जाऊंगी तुम्हें, तुम कुछ सोचो ना, मैं एक पैसे तक नहीं लेकर आई अपने साथ में, मैं अपनी फैमिली में किसी को कुछ नहीं बता कर आई। रोड पे भीख मांग ले, मिल जाएगा 10-5 रुपया, खा पी लेना, चले जाना घर ठीक है। दोबारा कॉल ना करियो मेरे पास, प्लीज मत बोलो ऐसे, प्लीज यार फोन मत काटना, प्लीज निकल यार प्लीज। हेलो हेलो, हाय क्या हो क्या है भैया, प्लीज जाओ ना यहाँ से। अरे क्यों रो रहे हो भाई, बॉयफ्रेंड का चक्कर है क्या भैया, प्लीज आओ ना, आप क्यों आए हो, मुझे नहीं बात करनी। क्या बात हो गई, आप बताओगे तभी तो पता चलेगी, हो सकता है मैं कुछ हेल्प कर दूं आपकी। मुझे नहीं चाहिए आपकी हेल्प, प्लीज जाओ आप यहाँ से। ऐसे रोते रहोगे, सारे लोग देख रहे हैं आपको, अच्छा थोड़ी लग रहा है। मैं तो अचानक से जा रहा, आपकी बात सुन के रुक गया, क्या हो गया आपको बताओ ना। देखो रोना बंद करो, देखो रो मत यार बिल्कुल भी, मैं कह रहा हूँ क्या हो गया ये बताओ पहले, क्या हो गया बताओ ना यार। भाई देखो रो रोती हुई लड़की अच्छी नहीं लगती, आप बताओ तो सही क्या हो गया। ये एक लड़का था, मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, बहुत ज्यादा, मैं उसके लिए अपना घर बार सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आ गई। उसने बोलता कि मेरे से शादी करेगा, 5 दिन से वो मेरे से ठीक से बात तक नहीं कर रहा, मैं 5 दिन से यहीं पे भटक रही हूँ, वो मुझे यहाँ पर छोड़कर और चला गया, फिर वापस नहीं आया, अब कॉल भी नहीं उठा रहा। अभी लास्ट बात हुई तो उसकी शादी करवा रहे उसके घर वाले, मेरे पास एक पैसा तक नहीं है यहाँ पर, उसके चक्कर में उसने मुझे बोला था कि हम साथ रहेंगे, सब कुछ साथ में करेंगे, छोड़कर चला गया वो। आप घर वालों को बिना बता के आए थे? घर वालों को मैंने कुछ नहीं बताया, मैं बस उसके बोलने पे आ गई उठकर, वो लेकर आ गया लेकिन यहाँ पर आके छोड़ दिया उसने। कितने टाइम का रिलेशन था आपका? 2 साल का। तो 2 साल में ये नहीं जान पाए कि वो बंदा भरोसे लायक है नहीं है? वो बहुत अच्छा था, वो एकदम से ऐसे बदल गया, मुझे नहीं पता कैसे हुआ। यहाँ कहाँ रहते हो आप? देखो पहले सुनो, पहले यहाँ रोना बंद करो, देखो सारे लोग देखेंगे अच्छा नहीं लगेगा, रो मत पहले, मतलब पहले बिल्कुल रोना बंद करो, रो मत मेरे सामने, रोते हुए अच्छे नहीं लग रहे बिल्कुल भी ठीक है, सारे लोग देखेंगे अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे कहाँ रहते थे ये बताओ? यहाँ पे नहीं रहती मैं यूपी से आई हूँ। लड़का कहाँ का था? वो भी वही का था, यूपी का। हाँ यहाँ पे जॉब करता है कहीं पे, मुझे नहीं पता कहाँ पे करता है। तो अभी कितने टाइम से रह रहे हो उसके साथ? अभी मैं जस्ट उसके बोलने पे 5 दिन पहले यहाँ पर आई हूँ। तो 5 दिन पहले भी तो कहीं रुके होगे, रहते होगे ना? नहीं, स्टेशन हाँ। के बाद वो एक बार मुझसे मिलने आया यहाँ पर, यहीं पर बोल के वो चला गया, फिर वो वापस नहीं आया। देखो रोना बंद करो, अब एक बार घर वालों को कॉल कर लो, हो सकता है घर वाले नहीं कर सकते, घर वाले आप करोगे तब ना यार, एक बार करो ना, बोल दो ऐसे ऐसे हो गया मेरे साथ। मैं उन्हें कुछ नहीं बता कर, मैं वापस नहीं कॉल कर सकती उन्हें, मैंने एक बार ट्राई भी किया था पर उन्होंने
मेरी बात सुनते के साथ ही कॉल काट दिया। आपने घर वालों को कुछ घर वालों को कुछ नहीं बताया ना? नहीं बताया। तो उन्हें क्या पता किसी लड़के के साथ गए हो, किसके साथ गए हो? नहीं। आप पहले रोना बंद कर दो। क्या नाम है आपका? दिव्या। दिव्या जी पहले रोना बंद कर दो, घर वालों को कॉल करो एक बार और बोलो मेरे साथ ऐसा ऐसा, वो लड़के का मत बताना ना, बोल देना फ्रेंड के पास आई थी मैं ऐसे ऐसे। नहीं बता सकते, वो मेरी आवाज सुनने के साथ ही फोन काट देते हैं। इसका मतलब आप घर वालों सबको पता होगी कि लड़की हमारी ऐसे ऐसे गई है? नहीं। अभी क्या करना है आपको? ऐसे रोते रहना है यहाँ पे बैठ के? मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। अरे ऐसे रोना कोई सॉल्यूशन थोड़ी है, सॉल्यूशन तो खुद ही ढूंढना पड़ेगा ना आपको। अब पहले दिव्या जी रो मत, ये बताओ करना क्या है आपको? वो बंदा बात नहीं कर रहा बिल्कुल, लो मेरे फोन से ट्राई कर लो। एक बार कॉल नहीं, एक बार मेरे फोन से तो कर लो। उसकी शादी हो रही है। शादी हो रही है तो आप आ कैसे गए? ये तो बताओ, आपको पहले पता होना चाहिए ना यार कैसा बंदा है वो। आप रो मत यार, देखो रोते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे, रो मत बिल्कुल भी। मेरी सुनो, रो मत बिल्कुल भी, रोना बंद करो ठीक है, रोना बंद बिल्कुल बंद कर दो यार प्लीज। मैं क्या करूँ, रोने तो और कुछ नहीं है। तो रोने से क्या हो रहा है बताओ, गलती तो कर दी ना आपने, रोने से कुछ हो रहा है बताओ मुझे, कुछ हो रहा है रोने से? दिव्या जी मेरी बात सुनो, कुछ हो रहा है रोने से बताओ? आप रोते रहो, सुबह तक रोते रहो, शाम तक रोते रहो, चार लोग वहाँ से देख के चले जाएंगे, हो सकता है चार में से एक पूछने भी आ जाए क्या हुआ, उसके सामने भी रोते रहोगे तो वो कोई हेल्प थोड़ी कर पाएगा आपका, आपकी हेल्प थोड़ी कर पाएगा वो, जब तक उसको बताओगे नहीं क्या दिक्कत है ये बताओ। चलो रहना कहाँ है आपको, रह कहाँ रहे थे आप? गाँव से यहाँ पर आई हूँ, मुझे यहाँ का नहीं पता कुछ भी। तो आप यहाँ कहीं रह तो रहे होगे ना आसपास? हैं? नहीं। यार एकदम से भरोसा कर कैसे लेते हो आप किसी पे, एकदम से कर लिए मतलब दो साल में ये नहीं जान पाए कि वो लड़का आपके लायक है नहीं है, आप घर वालों को छोड़ के आ गए बस एक बार लड़के के बोलने पे, है ना? और वो लड़का बस, आप दिल्ली में कई दिन हो गए आपको आए हुए? पाँच दिन हो गए, बट वो एक कितने बार मिलने आया आपसे? एक बार मिलने आया है और दोबारा मिलने आया भी नहीं, तो चार दिन से आप ऐसे भटक रहे हो। हाँ। चलो रो मत, देखो मैं सुनो, मैं आपको बोलता हूँ, मैं पास में ही रहता हूँ यहाँ पे ठीक है ना, तो पास में आप एक रूम वगैरह ले लो यहाँ पे ठीक है, बिल्कुल परेशान मत हो, कहीं पे जॉब लग जाएगी आपकी मैं लगवा दूंगा, एक आप रूम ले लो ठीक है, वहीं पे आप स्टे करना रहना। मेरे पास एक पैसे नहीं है, मैं कहाँ से कुछ करूँ? आप अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, कोशिश करो कि आपके घर वाले माने, क्योंकि आपके घर वाले आपके साथ दे सकते हैं, ना कि मैं, ना कोई और, ना कि आपका बंदा। आप कोशिश करो कि आपके घर वाले मान जाएं, एक महीने में दो महीने में उनको बताओ कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, पहली बात तो गलती कर दी आपने ठीक है, उनको भी बताओ मेरे साथ ऐसा बुरा, इतना बुरा हो गया ठीक है, और परेशान मत हो, यहाँ पे कहीं पे आप स्टे करने के लिए एक रूम ले लो, एक महीने दो महीने रुको, या फिर हो सकता है, मैं तो यही कह रहा हूँ आप घर वालों को मना लो कैसे भी। वो नहीं मानेंगे। अब आपने ये ठान रखा है घर वाले नहीं मानेंगे तो क्यों मानेंगे बताओ? मैंने ठाना नहीं, मैंने ट्राई करके देख लिया। चलो सुनो एक बात बता दूँ मैं आपको ठीक है, ये लो आगे करो हाथ, आप करो तो सही भाई। हेलो, मैं आपको नहीं जानती। अरे छोटा भाई बड़ा भाई समझती हो कुछ? समझती हो नहीं ये बताओ, नहीं जानते, कोई हेल्प करने आया उसकी वो तो समझो, जानता तो मैं भी नहीं आपको, क्यों आ गया आपके पास पूछने भाई क्या हो गया क्या नहीं हो गया, मैं जानता हूँ आपको। आप नहीं जानते, फिर आप रोते हुए दिखे, आप रोते हुए दिखे, मैं आ गया आपके पास। अरे कोई नहीं, आप सुनो, आप पैसे रखो, ये रखो सुनो, आपके पास पैसे नहीं है आपने बोला, हाथ तो आगे करो यार, आप रोते रहोगे या खुश हो जाओ थोड़े से, खुश पहले हंस के दिखाओ, हंसती कैसे हो वैसे, आप ऐसे हंसते हो, रोते रहते हो, हंसते नहीं हो कभी, थोड़ा हंस के तो दिखाओ, दांत दिखाना अपने कैसे हैं आपके। हाँ बस ये हाथ आगे करो, करो यहाँ पे आसपास कहीं रहने का वो देख लो, मैं करवाता हूँ सारा कुछ ठीक है, ये आपके खर्चे वर्चे के पैसे हैं, आप जॉब के लिए, आपकी जॉब लगवा दूंगा कहीं ना कहीं, आप एक दो महीने में अपने घर वालों को मना लो और घर चले जाना बस, यहाँ पे कोई किसी का साथ नहीं देता, मैं आपको पहले ही बता, ये रोना धोना बंद करो। आप क्यों मेरी हेल्प कर रहे हो मुझे? अरे मैं एक इंसानियत के नाते हेल्प कर रहा हूँ ना आपकी, मेरे को लगा कि कोई इंसान दुखी है तो उसकी हेल्प करने में क्या जा रहा है, मैं हूँ इस लायक कि किसी की हेल्प कर सकूँ।
तो आप इतना सोचो मत, ठीक है, ये पैसे रख लो, मैं कभी मांगने नहीं आऊँगा। अगर ज़्यादा अमीर करोड़पति हो जाओ तो आ जाना देने, मन करे तो। ऐसे हंसते हुए अच्छी लग रही हो आप, जब आपका मन करे तब देने आना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी मैं आपको बता दूँ, मैं ना वैसे वीडियो सीडियो बना लेता हूँ कभी कभी, तो मेरे को नहीं पता थी, मैं तो एक वीडियो बनाने आ रहा था, तो सामने ना मैंने, देखो आप जो बात है वो बता रहा हूँ, सामने मैंने कैमरा लगवा दिया था, ठीक है। अब आप तो रो ही रहे थे, मेरे को क्या पता आप क्या, आपके साथ इतना मतलब ये सब हो गया आपके साथ, मेरे को थोड़ी पता था इतना सब कुछ हो गया आपके साथ। और जब पता चला तभी तो मैं आया यहाँ पे, अब आया तो मेरा भी फ़र्ज बनता है, इस लायक मैं भी हूँ कि आपकी हेल्प कर सकूँ। तो आपने जो भी मुझे समझा है, आप पास में रहने के लिए एक जो भी देखना है आपको, फ्लैट देखना है, फ्लैट मिल जाते हैं सस्ते सस्ते, एक महीने एक दो महीने यहाँ रखो, यहाँ पे आप कहीं भी जॉब लग जाएगी खर्चे वर्चे के लिए, बट ये मत सोचो कि मेरी हेल्प ये करेगा, मान लो कल को ये पैसे खर्च हो जाएंगे तो करोगे तो तुम ही, तो अपने आप पे डिपेंड रहो, ठीक है। और यहाँ बैठ के मत रो, अभी चलते हैं, आपकी रहने की व्यवस्था करते हैं, और कोशिश करना घर वाले मान जाएं, एक दो महीने यहाँ बैठ के मत रो, सारे लोग देखेंगे अच्छा नहीं लगेगा, चलें। थैंक यू मत बोलो, ठीक है, पहली बात गलती कर दी, कोई दिक्कत नहीं, आओ आ जाओ।